काट दिया सारा है। पहले किसी ने बेरा था जिंदगी बहु है, इलेक्शन माए पास चलू गल की मैडम की बहु नहीं है टक्कर में भाई हो गए इसके चक्कर में। एक जो एक पेड़ काट के रास्ते में जो एक रास्ता ब्लॉक कर दिया, उन्होंने क्या करा कि जो पेड़ है जो पड़ा हुआ था सारे मिलकर के उन्होंने हटा दिया, रास्ता खाली कर दिया और आगे प्रोग्राम में पहुंची। तुम कितनी भी रुकावट ला दो कमल का फूल खिल के रहेगा जलाना में। तो एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है, ठीक है, 5 तारीख ने बेरा पड़ जाएगी लाइन कटे टूट रही है और 8 तारीख ने सबको समझ में आ जाएगा कि जुलाना में सिर्फ और सिर्फ इतिहास बदल के कमल का फूल खिल रहा है। और जो एक बार कमल का फूल आने खेल गया तो मैं बता दे इसको दूसरे को आके दिखा दे इलेक्शन है। और इलेक्शन जो है कि एक तरफा किसी एक बरादरी तो होता कोई नहीं, पहली बात। फिर 36 बरादरी की मेरा सपना रहता है और मेरा उठना बैठना भी 36 बरादरी में है। तो कोई ये ना कहे कि भाजपा के अंदर जाट मौजूद है, क्योंकि सारे के सारे भाजपा परिवार के सदस्य है। मर्द की जबान आखिर जबान पकड़ो, मर्द की जबान होती जबान पकड़ो, फूल खिला बैठा है। कुश्ती का दंगल में जीत सका है यार नहीं सारे भी हम लोग को आगे भाई थोड़ा ना बदल दिया मोदी ने मारा ना का 15 साल का होया है बदल जिंदगी मोदी का लादे हमारी जिंदगी मोदी का लादे। ओ तो बहन जी की राम राम मौजूद है और राम राम जी लोग आपका भाषण सुनकर रोटी खाने की भी जरूरत नहीं सके। ये तो मेरे बड़ों का लाड और प्यार है जो इस तरीके का दुलार अपने छोटे बेटे और भाई पे रखते हैं। और यही बात है कि भाषण की कि मैं जो भाषण जो है कि दिल से देता हूँ ना कि दिमाग से देता हूँ। अच्छा जी, एक तरफ तो आप पसीना पसीना हो रहे हो, दूसरी तरफ गलिया में जो जुलाना की गलिया में आपकी घराली जो है जमात पसीना पसीना हो रही, दोनों जने झूठ रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे ऊपर एक चीज है जिसका हक है और वो हक है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, और मेहनत करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे चाहे वो किसी भी तरीके की क्यों ना सही। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जो वायरल हो रही थी, आपका रास्ता रोक रखा है कुछ झाड़ियाँ पे, वो कैसे था थोड़ा बताओगे? मैं तो एक बता देता हूँ, किसी के पेट में दर्द होने लग रहा है, पहले तो वो खुशी बना रहे थे, जब जो है कि भाजपा परिवार बढ़ता जा रहा है मजबूत होता जा रहा है तो उन्होंने क्या करा कि रात में एक जो है कि पेड़ काट के रास्ते में जो है कि रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब वो न्यूज सोच रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक हो लिया, आप यू टर्न मार करके वापस हो लेंगे। मैं ये कह देता हूँ हमारे जो कि जितने भी भाजपा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने क्या करा कि जो पेड़ है जो पड़ा हुआ था सारे मिलकर के उन्होंने हटा दिया, रास्ता खाली कर दिया और आगे प्रोग्राम में पहुँच लिए। कहने का मतलब ये है तुम कितनी भी रुकावट ला दो कमल का फूल खिल के रहेगा जलाना में। दो पहलवान भी खड़े हैं, दो पहलवान के बीच में भी इसको ले जाओ। देखो वो तो एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है, ठीक है, और आप उनके छोटे बड़े भाई है, वो जो है कि रेसलर है वो प्रोफेशनल होंगे और अपने अपने प्रोफेशन में महारत है, आपा भी कोई कम कोई नहीं है, तीन तीन चीजों में महारत ले बैठे हैं, हवाई जहाज उड़वा लो, एक नंबर आगे ना पहुंचे तो बता देना, दूसरी बात है काम धंधा करवा लो, बिजनेस खुलवा लो, अगर सामने जो है कि दूसरे की दुकान बंद ना कराए हमारा नाम बदल देना, तीसरी चीज है राजनीति की, ये भी मैंने एक सप्ते का समय मांगा था, एक सप्ते के अंदर मैंने बोल दिया कि एक सप्ते का समय दे दो कि रुझान आड़े खड़ा कर देंगे, कमल का फूल का निशान ही सारी जगह बना देंगे। ये भी एक बात रहेगी कुछ दिन की, 10 से 15 दिन और बाकी रह गए हैं, 5 तारीख ने बेरा पड़ जाएगी लाइन कटे टूट रही है और 8 तारीख ने सबको समझ में आ जाएगा कि जुलाना में सिर्फ और सिर्फ इतिहास बदल के कमल का फूल खिल रहा है। विकास की जब आप बात करो तो कुछ लोग कमेंट में नू लिखा जो आपकी वीडियो है कि 10 साल तक बीजेपी की सरकार थी तब क्यों नहीं जुलाना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुलाना में जो कमेंट लिख रहे मेरे भाई थोड़ी सी जो है कि गूगल पे भी सर्च कर लो कि सबसे पहले जो पहले 5 साल है वह कौन थे और पिछले साल में पिछले प्लानिंग में कौन थे। मैं वही बात बताने लग रहा हूँ कि अगर इस बात की कमेंट करे तो मैं एक बार बीजेपी ने जिता के दिखा दो जुलाना थे फिर बता देंगे। अच्छा जो 50 वोट देकर नौकरी पाओ इस पे क्या कहोगे जो ये बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ इसका जवाब तो जनता दे देगी, क्योंकि नौकरियां जो है कि वो समय जा लिया, क्योंकि समय है अब जो है कि काबिलियत के हिसाब से, अगर काबिलियत के हिसाब से आएंगे उनका सुपड़ा साफ भी कर देंगे। जो करीब दौरे लगाने लग रहे हो जितने पक्ष भी नुआज हो गए रहता रहता ना भी। मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार सेवा मौका कर दिखा दो, मैं यहाँ राजनीति के समीकरण ना चेंज कर दूँ और जो है कि एक बार कमल का फूल आड़े खेल गया तो मैं बता दे इसको दूसरा कोई आके दिखा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और एक तरफ ही है कैप्टन योगेश बरागी जी एक नंबर पे हैं और बाकी का तो बस जिक्र ना करो। युवा लड़का है, युवा लड़का है, शिक्षित है, हल्के को चार चांद लगाने का काम करेगा और ये किसान का बेटा है, किसान मजदूर की आवाज उठाएगा और युवा है तो युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करेगा। हमारा छत्तीस बरादरी एक है, सारे भाई एक है, सारे हमारे काम के एक है। छत्तीस बरादरी ने आशीर्वाद दिया इनको, आदरणीय भरत सिंह मलिक जी हैं और सारे यहाँ पे छत्तीस बरादरी आपको बता देता हूँ साफ सुथरा भाई, यहाँ इलेक्शन है और इलेक्शन जो है कि एक तरफा किसी एक बरादरी तो होता कोई नहीं। पहली बात मैं यहाँ हमेशा छत्तीस बरादरी के मेरा सपना रहता है और मेरा उठना बैठना भी छत्तीस बरादरी में है, मेरी जान भी छत्तीस बरादरी है, मेरी पहचान भी छत्तीस बरादरी है, छत्तीस बरादरी का भाईचारा है, बिना छत्तीस बरादरी में आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं अगर मैं यहाँ की मैं बात करूँ जुलाना की भी, इलेक्शन के माहौल की भी, भाई छत्तीस के छत्तीस बरादरी आपा भाजपा परिवार के साथ में गहला है, तो कोई ये ना कहे की भाजपा के अंदर जाट लोग है, क्योंकि सारे के सारे भाजपा परिवार के सदस्य है। चलो भाई फिलहाल देखो कैप्टन योगेश की बात सुनी, आंटी बताओ जी योगेश जीत गया भी छोरा ठीक सके एक नंबर का छोरा है, एक नंबर छोरा एक नंबर का जी सब पहली बार आया है जी है। अच्छा पहली बार है, पहली बार बनाएगा रही हूँ मौका दिया है हमने, इशारा छोरा नहीं आओगा जमा भी नहीं आओ जी इस बार का जितने हैं ना सारे निकले आए हैं, सारे आए हैं मर्द की जबान जबान पकड़ो, मर्द की जबान होती जबान पकड़ो, ये तो फूल खिला बैठा है, पहचान कर लो पहचान कर लो पहचान कर लो ना जी मर्द जबान का होता मर्द जबान का होता है योगेश जीत गया। जीतेगा जिंदाबाद जीतेगा बीजेपी राजनीति का खड़ा बनी है वो वैसे अखाड़ा पहलवानी में जी लेकर मैं कोई नहीं हाँ चक्कर में एक तरफा माहौल चक्कर में योगेश की कोई नहीं है टक्कर में क्या बात है राजनीति का खड़ा तो इसमें कौन सा बाजी मारेगा कैप्टन योगेश है कुश्ती का दंगल मजीद सगा है आड़ा नहीं है। अरे एक और रेसलर है वहाँ खली कमाओ ना वुमेन खली वहाँ भी ठीक सवा प्रेजेंट आप है लेकिन आड़ा से छोरी से जुलाने की वा जुलाने की छोरी अरे यू मारा जमा उत्तर क्या रहा है उत्तर क्या और ऐसा उत्तर क्या फिर जाज त्रुवावा या आड़े त्रुवावा जाज त्रुवावा उत्तर क्या हाँ उतर जाएगा बेटा उतर जाएगा पहले किसी ने बेरा था जिंदगी बहु है इलेक्शन माए पास अनुगर लगी मैडम की बहु जिस मेडल ले आई कद आई जुलाना में गुड़िया कद जुलाना में उड़े गई मेरी मोदी जी से अपील है जिसने भी देश को लूटा है उसका सारा पैसा मतलब इकट्ठा करके राष्ट्र के सौंदर्यीकरण में लगा दे ये देश उसको सर्पल को पर बैठाए रखेगा भारत मतलब उसको कभी भी नहीं रहेगा प्रधानमंत्री आखिरी सांस तक रहेगा वो आदमी। अच्छा जी हाँ अगर जिस जिसने भी देश को लूटा है उसका पैसा मतलब इकट्ठा करके राष्ट्र की मोदी का ला दे हमारी जिंदगी मोदी का ला दे जिंदगी ने मोदी ने जिस जिसने भी राष्ट्र को लूटा सारी गाँव सब लोग लगी बात जैसे आज लाडुओं के साथ भर दिया ना वैसे ही वोटों के साथ भर दिया यू छत्तीस जात का नारा है बैन काट दिया सारा है चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में भाई योगेश के चक्कर में मेरे डायलॉग लावे कट कट फिलहाल सरपंच बन लिया जी हूँ अमित शाह ने भी हम लोग को आगे भाई थोड़ा ना बदल दिया मोदी ने मसा पाया है सारा ही पर महाराणा का 15 साल का है
कितना तेज है, कहाँ का सूता है, जुलाना में कौन आवेगा, नहीं वो थोड़ा बैठे हरी में। चलो भाई शेयर कर दिया वीडियो ने, और की बताना चाहोगे? वो तो बहन जी की राम राम, समूह कला जिंदाबाद, मिला शक्ति जिंदाबाद, बाजी बाजी मिला, अरे हमारे राम राम जी जी आगे करिए पूरा जो बीजेपी के आज है। जिस तरह से छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है, देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में जनता लाई है। ऐसे ही हरियाणा में भी ये जनता भगवान का रूप होती है, इनके आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। युवाओं के हृदय सम्राट, छत्तीस बरादरी के मसीहा, जन जन के चेते, आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी बार जनता चाहती है वही मुख्यमंत्री बने। अच्छा जी। क्योंकि ऐसा है, हमने हमारी पार्टी है वो राष्ट्रवादी है, वी आर राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवादी हैं, हम जातिवादी नहीं हैं। हमने ये महसूस किया भाई SC/BC समाज से अभी सीएम नहीं बनाया है, तो हमने OBC समाज से सीएम बनाया। और अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस नुकवा है कि भाई शुरू में पंजाबी समाज का सीएम हटा कर सैनी समाज का लगा दे, तो जातीय समीकरण ऐसा हमें बताऊं। हाँ जी, मैं अब टीवी डिबेट से आया हूँ। आहो जी, आहो। कुसुम मेरी बहन, बदलाव एक प्रकृति का नियम है, आहो जी। और इतिहास गवाह है, समय समय पर भी बदलाव होता रहता है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हूँ, वहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, और CM का बेटा CM बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ये किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, इन्होंने खुद भी किसानी करी है। हमारे यहाँ संभव है किसान मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये भाजपा में संभव है। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो भी किसान मजदूर का बेटा, किसान का बेटा है, और उसने खुद भी किसानी करी है, आदरणीय मोहनलाल बडोली जी। हम 36 बरादरी को लेकर चल रहे हैं, सारे समाज हमारे साथ हैं, और जनता तो भगवान का रूप होती है, जनता का आशीर्वाद। बिल्कुल भाई, शेयर कर दिया वीडियो ने, फिलहाल का प्रतियोगिता नौजवान बच्चा और बात करियो जी, नौजवान शेयर कर दो वीडियो ने, कमेंट में अपनी राय बता दो, मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम।